हरियाणा से बिहार आ रहे शराब से लदे ट्रक को कैमूर पुलिस ने किया जब्त। बिहार में शराबबंदी के बाद भी कैमूर में लगातार शराब बरामद हो रहे हैं। शराब माफियाओं का हौसला इतना बुलंद है कि ट्रक के ट्रक शराब को खपाने को लेकर प्रशासन का कोई भय नहीं दिख रहा। सोमवार को गुड़गांव के एक डीसीएम ट्रक शराब की खेप लेकर बिहार के कैमूर जैसे ही पहुंची थी कि मोहनिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर समेकित चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर ट्रक को रोक दिया। ट्रक की तलाशी ली गई तो 1477 लीटर मैकडोल शराब बरामद किया गया। इस संबंध में मोहनिया डीएसपी रघुनाथ सिंह ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्करों द्वारा यह शराब की डिलीवरी बिहार के बिहटा में की जानी थी। जांच अभियान के दौरान ट्रक पर लदे शराब के साथ चालक व सह चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज कितना है और क्या मामला है, कैसे कैसे? हाँ, शराब के खिलाफ कैमूर जिला में काफ़ी संघन छापमारी की जा रही है। उसके लिए चेक पोस्ट पर तीनों शिफ्ट में ज्वाइंट से चेक पोस्ट लगाया गया है, जिसमें एक्साइज के अतिरिक्त जिला के पुलिस और जिला के बल और जिला के पदाधिकारी आते हैं। इसी दौरान चेकिंग के दौरान ही पिछले रात सुबह भोर में एक डीसीएम ट्रक पकड़ाई, जिसमें शराब शुरुआती दौर में पता नहीं चला, लेकिन जब गहराई से चेकिंग किया गया, छानबीन किया गया, तो पता चल गया कि उसमें शराब है, कार्टून में रखा हुआ था। एक टोटल शराब की जो मात्रा है वो 1477 लीटर है। दो आदमी भी गिरफ्तार हुए हैं, एक चालक और सह चालक, जिसका नाम है वरुण कुमार यादव, ये मैनपुरी के रहने वाले हैं, और एक सह चालक भुवनेश्वर कुमार यादव, ये भी मैनपुरी के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ लेते जा रहे हैं ये लोग? ये हरियाणा से माल लेकर आ रहे हैं और ये पटना जिला में ही बीटा जाने की बात बता रहे हैं। सर, कितने बाजार मूल्य से कितने लागत की शराब होगी? वही अब 1477 लीटर है, तो उसी अनुसार मतलब जो रेट चल रही है, सबका रेट अपना लगा रहे हम लोग के हाथ पूर्ण रूप से बंद है, तो काफ़ी मात्रा में। और इस समय सर लगातार कैमूर पुलिस शराब पकड़ रही है ट्रक से, क्या लगता है सर इसको चुनाव को देखते हुए बिहार के अंदर शराब माफियाओं द्वारा शराब प्रवेश कराया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी चूँकि सक्रियता हमारे बिहार भी स्टेट में ही चल रहा है अभी शराब के प्रति, और हमको लगता है काफ़ी अच्छा मेहनत हो रहा है और अभी तत्काल सफलता मिल रहा है। ठीक है।